हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय शिव शंभू। मेरा नाम है नीलेश पंडित और आज का टॉपिक है कि क्या बॉडी बिल्डिंग ज़्यादा अच्छा है या बॉक्सिंग ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप लोग मेरा शॉर्ट्स देख चुके हैं जिसमें मैं बहुत तेज पंच करता हूँ और बहुत तेज़ी से दीवार पे या मेटल शीट पे पूरे पावर से पंच करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आप शॉर्ट्स यूट्यूब पर देख सकते हो, जो लोग पंच करते हैं और उनके यहाँ पे फोड़े निकल जाते हैं, यहाँ पे फिस्ट पे नकल जिसको बोलते हैं, लेकिन मेरे नहीं निकले हुए। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं जेनेटिकली उन लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मेरा जो जेनेटिकली पॉज है वो आम लोगों से ज़्यादा बड़ा है। देख सकते हो मेरे पॉज जो है वो ज़्यादा बड़े हैं उन लोगों से, ठीक है। इसलिए मैं आसानी से पंच कर लेता हूँ और पूरी ताकत से पंच करता हूँ, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बॉडी बिल्डिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मैं बॉडी बनाता हूँ लेकिन मैं बॉक्सिंग करता हूँ, ठीक है। और बॉक्सिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर है आपको मसल फुला के सब जगह शो ऑफ करने से। नहीं मेरे भाई, बहुत सारे लोग बॉडी बनाते हैं सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, अच्छा लुक्स के लिए, लेकिन वो लोग कभी भी बॉडी इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनको अपने आप को डिफेंड करना रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर दुनिया में अगर आप जी रहे हो तो लड़ाई तो झगड़े होंगे ना, डिफेंड करना। अगर आपके पास बहुत मसल है, आप बहुत मस्कुलर हो लेकिन आप लोगों से लड़ नहीं सकते, तो फिर आपके क्या फ़ायदा है इतने मसल बनाने के, ठीक है। चलिए आपको मैं लाइट में चलता हूँ जहाँ थोड़े और रोशनी दिखे, एक सेकेंड, वन मिनट। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि बॉक्सिंग जो है वो क्यों बेहतर है या बॉडी बिल्डिंग ज़्यादा बेहतर है, इसके मैं बता देता हूँ दोनों में से कौन सा बेहतर है, इसके आपको प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो बॉडी बनाते हैं, ठीक है, या वैसे लोग जनरली जो जिम में जाते हैं वो बॉडी बनाने जाते हैं, उनका मेन मकसद अच्छा दिखना, अच्छा फिजिक, लोगों को इम्प्रेस करना, वो होता है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, इसलिए मैं कहता हूँ कि हर किसी को एक फाइटिंग स्टाइल आना चाहिए, ठीक है। अगर आप मेरे लाइफ के बारे में जानोगे तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे 3-4 लड़कों से फ़ाइट हो गए थे कुछ वीक पहले, 1.5 महीने पहले हुए थे, कुछ वीक नहीं उससे ज़्यादा हो चुके हैं, 1.5 महीने पहले 3-4 लोगों से फ़ाइट हुए थे और मैंने तीनों चारों को पिट कर भगा दिया था। ऐसा नहीं कि शो करने के लिए आई थी कि नहीं करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, मगर अपने आप को डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप मेरा देखोगे पंचिंग पावर, ठीक है, अभी तो मेरे सब्सक्राइबर कम है, लेकिन जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो आप लोग को दिखा देंगे जो लोग देखना चाहते हैं। आप लोग सब्सक्राइब तो कर नहीं रहो, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आप मेरे कॉलेज के या नज़दीक के दोस्तों से पूछ सकते हो, मैंने मेरे फाइट हुए थे और मैं 3-4 लोगों को पीट अपने को लगे थे लेकिन हमने पीट के 3-4 को भगा दिया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि फाइट वाइट करना अच्छा होता है, ठीक है। जिससे अगर आप मेरा पंचिंग स्पीड देखोगे तो देखो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि मेरे जो है प्रैक्टिस है, ठीक है, मैंने सालों साल उस चीज़ का प्रैक्टिस किया हुआ है। जो लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है, जो लोगों को फाइटिंग स्टाइल नहीं आता, उन लोगों के साथ गड़बड़ है। मैं इतनी तेज़ी से अगर करता हूँ या दीवार में पूरी ताकत से पंच मारता हूँ, उसके पीछे रीजन कि मैंने सालों से प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि बॉडी बिल्डिंग खराब चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग करना अच्छी बात है, अच्छा दिखना अच्छी बात है, मगर आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो, आपके बहुत अच्छे खासे मसल्स है, चेस्ट है, बाइसेप्स है, और आप लोगों से अपने आप को बचा नहीं पाते, फिर क्या फ़ायदा है, आपके सब्सक्राइबर क्या सोचेंगे, ठीक है। इसलिए आपको एक फाइटिंग स्टाइल कोई भी, जैसे कि बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, जिजित्सु, कलरीपयट्टू, ब्राजीलियन जिजित्सु, कराटे, जूडो, टेक्वांडो, कुछ भी आपको आना चाहिए, ठीक है, जो आपको अपने आप को आप अपने आप को डिफेंड कर सकते। और ऐसा कुछ नहीं कि जो लोग बॉक्सिंग करते हैं उनके बॉडी अच्छे नहीं होते, ठीक है। मैंने 75 दिन का चैलेंज लिया है, ठीक है, सॉरी 90 डेज का चैलेंज लिया है, मेरा 75 हार्ड चैलेंज ही है जिसमें मैं 2 टाइम वर्कआउट करता हूँ 45 मिनट्स के, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं 1 गैलन पानी से ज़्यादा पीता हूँ, यानी 3.8 के आसपास है, लेकिन मतलब 4 लीटर, यानी मैं 4 लीटर से ऊपर ही पीता हूँ। अगर आप पी सकते हो तो उससे ज़्यादा पियो, ठीक है। तो मैं 75 हार्ड चैलेंज ही कर रहा हूँ लेकिन मैं उसे 90 डेज तक ले जा रहा हूँ, और मैं इंटेंस वर्कआउट करता हूँ, जैसे दीवार पर पंच करना, मेटल शीट पर पंच करना, ठीक है। एक मैंने एक वीडियो बनाया था जो मैंने बताया था कि मैं मल्टीपल एक्सरसाइज करता हूँ, शोल्डर, आर्म्स और स्क्वाट, ठीक है, तीनों एक साथ डंबल से करता हूँ, ठीक है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है कि आप अगर मल्टीपल एक्सरसाइज करते हो इंटेंस, तभी आपके बॉडी सही से फिजिक्स से वर्क करेंगे, ठीक है। अब वैसा बॉडी बना लो और आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको फैट टू फिट जाना है तो आपको इंटेंस वर्कआउट करना होगा, जो कि ज़रूरी है। अगर जल्दी करना है तो ऐसा स्लो में भी जा सकते हो, आपकी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों को ये भरोसा नहीं होता कि मैं दीवार पे पंच कर सकता हूँ या मैं वीडियो एडिट कर देता हूँ या वो, नहीं ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे घर का ये पिलर है, ठीक है। अब इसको देखो, मैं आपको पंच करके दिखाता हूँ, ठीक है।
मैं तो तेज़ी से क्यों पंच कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने सालों साल प्रैक्टिस किया। देखो सी, मेरे सिर्फ यहाँ स्क्रैचेज आते हैं, ठीक है, हल्के हल्के, लेकिन मेरा कभी भी जख्म नहीं होता या मेरे फोड़े नहीं आते, क्योंकि मेरे जेनेटिकली मेरे बॉस बड़े हैं, ठीक है। अब इसके पीछे मैं एक रीज़न बताता हूँ। मैं पीता हूँ तुलसी पत्ता, मेरे बचपन से ही हर चीज़ में, खाने, खीर, उपमा, पोहा, पानी, मिठाई, जो भी हम चीज़ खाते हैं ना, उन सब में हम तुलसी पत्ता डालते हैं। यहाँ तक कि मैं पानी भी पीता हूँ ना, तो उसमें तुलसी पत्ता डाल के पीता हूँ, ठीक है। तुलसी पत्ता एक ऐसा चीज़ है जिससे आपके पावर एंड्योरेंस बढ़ते हैं, आपको पूरा आपको स्ट्रेंथ मिलता है, पावर मिलता है, एंड्योरेंस मिलता है, ठीक है। तुलसी पत्ता आप डालो, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि बॉडी बिल्डर और बॉक्सिंग, जो मैं बता रहा था कि बॉडी बिल्डिंग और बॉक्सिंग में ज़्यादा बेहतर कौन है। मेरे हिसाब से बॉक्सिंग बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, बॉडी बिल्डिंग बस बॉक्सिंग में एक पार्ट है, ठीक है। हम लोग प्रो बॉक्सर, प्रो बॉडी बिल्डर नहीं है कि हम ऐसे ऐसे करें, नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आपको अपना पंच पावर बढ़ाना है ना, अगर आपको अपना पंच पावर बढ़ाना है, तो आपको सीधी सी बात है, आपको धीरे धीरे ही शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार में आपने ज़्यादा कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे आप मेरी तरह नहीं, ऐसे पंच, अगर आपको मेरी तरह पावरफुल पंच चाहिए, तो आपको धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा। जैसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाने का, ठीक है, एक बार में ज़्यादा नहीं जाने का। और उसके एक और आपको तरीका बताता हूँ जिससे आप अपना पंच पावर बढ़ा सकते हो। वेट, ये मेरा डंबल है जो मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जो आप लोग जानते होंगे, उसका इस्तेमाल करके बनाया हुआ है, ठीक है। आप इसको लेकर एक आप ऐसे लो, ठीक है, और एक आप ऐसे, और ठीक है, ऐसे पंच करना, प्रैक्टिस करो, स्लो करो, मैं तेज़ी से करता हूँ, ठीक है। जैसे ऐसे, तो ये मैं फास्ट करता हूँ, आप लोग उसको तेज़ी से नहीं करो, स्लो स्लो करो, तभी आपके होंगे, ठीक है। वक्त लगेगा मगर अच्छा जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ किचन में कुछ कर रहा हूँ। ये है गर्म पानी, ठीक है, जो मैं पीता हूँ, जिससे आपके बॉडी टोन्ड होते हैं, ठीक है। और आप लोग दूध जरूर पिया करो, ठीक है। जो लोग दूध नहीं पीते ना, उन लोगों को दिक्कत होता है, दूध बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और अपने किचन को हमेशा क्लीन रखो, किचन कभी भी अपना गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो बढ़िया, सी मिल्क, अभी इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर इसे पियेंगे। अभी गर्म पानी में पानी पी लेते हैं, दूध गर्म कर रहे हैं ताकि दूध फटे ना, इसलिए करना जरूरी था। और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बॉक्सर के भी बॉडी अच्छे होते हैं। वेट वेट वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ सेकेंड बॉडी, सी अभी मेरे थोड़े से फैट और डाउन करने हैं, लेकिन 75 kg वेट पे मैं आ चुका हूँ, मेरे 54 days हो चुके हैं, ठीक है। सी अगर आप मेरा फर्स्ट डे का वीडियो देखोगे ना, जो मैंने डाला था, जिसमें मैं 78 kg का था, ठीक है, ये देखो ऊपर में दो एब्स मेरे विजिबल हो गए, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ ऑब्लिक मसल आ रहा है, यहाँ से सारे सारे मसल आ रहे हैं बाहर, मेरे दो रोल, उसका फिर नीचे बनाएंगे, ठीक है। नीचे देखा, ठीक है, ये मेरा नेक मसल है, ठीक है, ये मेरे नेक के मसल है, आपके नेक भी मौजूद है। बहुत सारे लोग नेक का एक्सरसाइज नहीं करते, नेक का भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और अभी चेस्ट फैट थोड़े घटा रहे हैं और मेरा बहुत हद तक टोन्ड हो चुका है, देखो, ठीक है। तो मैंने कहा ना, बॉक्सर के भी बॉडी बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में जय श्री शंभू लिख देना, ठीक है। बाय बाय, गुड बाय, एंड जय श्री शंभू, और सब्सक्राइब कर देना बॉडी। बाय गुरु।